Good morning, everyone. Now let's start the day with the planning and then with the morphology revision line by line from NCERT. Biology completed. Now I will start physics lecture. And welcome back to my channel. From morning mera chemistry ka analysis and jo bhi usme se ho nahi paya tha usme se kuch ka doubts clear and biology ka jo mera next test hai uska chapter physics ka lecture and bio ka do revision lecture itni sari cheeze complete ho gayi. Abhi now it's the dinner time. I will take my dinner and after that I don't know kitna mere se ho payega, but yeah, ek cheez to fixed hai, mera whole notes revision wo hoga and saath mein hi I will try ki main at least bio ka analysis complete kar lu. Theek hai,
एंड बस यही था आज का मेरा डे। एंड इससे एक चीज़ यू नो एक चीज़ मैंने सीखा, एक ऐप मुझे मिला, नया ऐप के बारे में मुझे पता चला, जहाँ पर ना जितने भी मेरे डाउट्स थे टेस्ट के, जो केमिस्ट्री का मेरा जो डाउट्स था वो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया यार। मतलब दूसरे ऐप में क्या होता है कि वन यू आस्क द डाउट तो आपको ऐसे लाइक मिलता जुलता डाउट्स मिलता है, कि आपके डाउट से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही था। यहाँ पे जैसे आपका कोई भी डाउट भेजोगे ना तो आपको लाइव टीचर्स के साथ में कांटेक्ट करवाया जाएगा, और फिर कॉल के थ्रू लाइव टीचर के साथ में कांटेक्ट करवाया जाएगा, और फिर कॉल के थ्रू आपके डाउट्स वहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। लाइक कोई टीचर आपका कॉल रिसीव करेगा, वहाँ पर कॉल का ऑप्शन होता है, तो आप जैसे अपने डाउट्स भेजोगे वहाँ पर कॉल आएगा, एंड उसके बाद में वीडियो कॉल के थ्रू वो टीचर आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। एंड सिर्फ डाउट ही नहीं, अगर आप कोई टॉपिक भी वैसे करके भेजोगे तो वो टीचर आपका वो जो टॉपिक है ना उस टॉपिक को भी पढ़ा देंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करवा देंगे। तो बहुत अच्छा लगा यार मुझे ये ऐप बहुत अच्छा लगा। एक टाइम ऐसा था, मतलब मेरे लिए डाउट्स बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने बहुत ऐसे टीचर्स मैं मिली हूँ जिनसे मेरा बहुत उम्मीद था, एक्सपेक्टेशंस था। या मैं ऐसे ब्लेम नहीं कर रही हूँ किसी भी टीचर को, क्योंकि उन लोगों का भी एक लाइफ है, एक शेड्यूल है, एंड या आफ्टर लेक्चर वो लोग भी टायर्ड होते होंगे कि वो क्लियर ना कर पाए, तो मुझे किसी से कोई कंप्लेन नहीं है। बट हाँ या मुझे जो एक्सपेक्टेशंस था जो डाउट्स के लिए कि हाँ इस टीचर से मेरा इतना हो जाना चाहिए क्लियर, तो वो मुझे कभी भी नहीं मिल पाया है। लाइक मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ी हूँ, आज तक मुझे इतना हेल्प नहीं मिल पाया डाउट में। सो अब है बेस वीक तो अब क्या कर रहे हैं, है तो है, हम एक बहुत ही नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए थे, ऐसा बहुत बड़ा कोई स्कूल से नहीं पढ़े हुए थे, विलेज में रहे थे, 12th तक हम विलेज में ही रह के पढ़े हैं, और उसके बाद में अगर हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो डेफिनेटली एक टीचर को फिर मैं एज अ नॉर्मल स्टूडेंट ही मिलूंगी ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं उन्हें टॉपर के रूप में मिल जाऊंगी। सो एक नॉर्मल स्टूडेंट की जैसे ही मिलूंगी, एंड डेफिनेटली मेरा जो डाउट होगा वो बेसिक हो ही सकता है, सारे स्टूडेंट्स के डाउट अच्छे ही हुए, ज़रूरी नहीं है। सो आई डोंट केयर जिसने किस कौन से टीचर ने इसको वैल्यू नहीं दिया, डाउट्स क्लियर नहीं किया। बस मुझे इतना पता था कि अगर कुछ बुरे वक्त लाइफ में आते हैं तो कुछ अच्छे वक्त भी आते हैं, एंड ये मेरा अच्छा वक्त है जहाँ पर मुझे डाउट्स के लिए किसी टीचर के पीछे पीछे भागना ना पड़े, उसकी बेइज्जती टॉलरेट ना करना पड़े, है ना। आप एक बार डाउट्स भेजो फिर वो डाउट डिलीट कर दिया जाए, एंड अगेन आप उसको भेजो अगेन डिलीट कर दिया जाए, टीचर आपके डेस्परेशंस को समझे ही नहीं कि स्टूडेंट्स के अंदर डेस्परेशन है कि हम इसको 10 बार भी भेज दे रहे हैं कि बाद में बताएंगे, 11 बार भी वो पहुँच जाइए डाउट लेकर के, इसका मतलब है कि सी हैज समथिंग, कुछ तो उसके अंदर है कि हाँ कुछ तो डेस्परेशन है। अच्छा मार्क्स नहीं लाती होगी, अच्छी स्टूडेंट्स नहीं होगी, लेकिन एक स्टूडेंट अगर 10 बार भगाने के बाद भी या कुछ एक्सक्यूज बना के बाद भी 11वीं बार भी टीचर के पास पहुँच जाए तो उस स्टूडेंट में कुछ तो बात ज़रूर होती है, है ना। कुछ जिज्ञासा बोलो, डेस्परेशन बोलो, या कुछ सीखने की इच्छा, या अपने सपनों के प्रति है ना एक अटेंशन, वो ज़रूर उसके अंदर होता है, तभी वो इतना बेइज्जती टॉलरेट करने के बाद भी 11वीं बार भी बहुत जल्दी डाउट्स ले। सो आई रियली डोंट केयर कौन सा इंसान ने क्या बिहेव किया मेरे साथ पास्ट में, बट अभी मैं बहुत खुश हूँ, एंड आज के लिए मेरा ये भगवान की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट था कि आई कॉन्ट इवन बिलीव कैसा हो रहा है दैट मैंने डाउट्स भेजा, एंड यू नो टीचर्स वहाँ पे वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो रहे हैं आपसे, एंड दे आर क्लियरिंग योर डाउट्स वेरी वेल, बहुत अच्छे से क्लियर किया उन्होंने मेरा केमिस्ट्री के सारे डाउट्स। एंड थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू होता है ना यहाँ पे, तो कुछ कुछ ऐसे थे जो कट भी हो गया, कुछ कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कट भी हो गया, बट फिर भी मैं मैनेज कर लूँगी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब मेरा फाइनली सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इनफैक्ट मैं तो ऐसा करूँगी कि जो मेरा टेस्ट में गलती होगा तो मैं उस टॉपिक को ही भेज दूँगी, मैं उस टॉपिक को ही उस टीचर से पढ़ लूँगी, क्योंकि जो गलती है उसको पढ़ना आई थिंक स्मार्ट वर्क है, रादर देन आप पूरा सिलेबस पढ़ने जाओ। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आप जो गलत कर रहे हो उस टॉपिक को ही अच्छे से पढ़ो। सो आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड मैं लिंक शेयर कर दूँगी या ऐप का नाम बता दूँगी कल की वीडियो में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उतना अच्छे से।
सो मैं कल शेयर कर दूँगी। बाकी अच्छे से पढ़िए एंड थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।